जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें हमने देखा सोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो हिस्ट्री को जानने के सोर्स हैं वो क्या क्या है, किस तरीके से बताते हैं हिस्ट्री के बारे में। हमने देखा था इंस्क्रिप्शन के बारे में कि इंस्क्रिप्शन क्या थे, कॉइन क्या थे और पोइट्री क्या थी, ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, वेदों के बारे में हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में किस बात का जिक्र है, यजुर्वेद में, साम वेदा में, अथर्व वेदा में किस बात का जिक्र है, गायत्री मंत्र किस में है, वर्ण सिस्टम जो है वो कौन से मंडल में है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, ये सब हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने और चीज़ें देखी थी, आरण्यक देखे थे, उपनिषद देखे थे, इनके बारे में जानकारी मिली थी। इन्होंने जानकारी किसके बारे में दी थी, इन्होंने जानकारी दी थी वैदिक पीरियड के बारे में और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, तो आज जो है आज जो हम देखेंगे, आज जो हम देखने आ रहे हैं, पहला क्या था हमारा, इधर से शुरू करते हैं। पहला था हमारा कि वैदिक पीरियड के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, इसमें कुछ सब हेडिंग थी वो भी हमने देखा। अब दूसरा है जो आज हम देखेंगे वो किस बारे में देखेंगे, प्री मौर्यन पीरियड के बारे में। ये 6 से 4 सेंचुरी BC की बात है कि हम देखेंगे प्री मौर्यन पीरियड के बारे में, कि जो प्री मौर्यन पीरियड था जो वैदिक पीरियड के बाद स्टार्ट हुआ प्री मौर्यन पीरियड, उसमें उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है या कौन से सोर्स हैं ऐसे हिस्ट्री के जो हमें प्री मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। सोर्स क्या क्या हो सकते हैं आपको पता है, या तो कोई टैक्स होगा, रिलीजियस नॉन रिलीजियस, या सेकंड मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइंस, ये सब, या किसी ने कुछ लिखा है उसके बारे में तो वो हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई फॉरेन का इंसान आया हो, उसने यहाँ चीज़ें देखी हो, उन्हें लिखा हो, या यहाँ के किसी फिलोसफर ने उस चीज़ों को लिखा हो अपनी बुक में, ये सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, ए डाला था, अब वी हेडिंग डालिए प्री मौर्यन पीरियड 6 से 4 सेंचुरी BC। ठीक है, अब इसमें जो है वो सबसे पहले, इसमें जो है सबसे पहले जो जानकारी देने का काम किया, इसमें भी हेडिंग ए करके डालिएगा ऐसे स्मॉल ए, पंच मार्क कॉइन्स। आज का टॉपिक ये है पंच मार्क कॉइन्स। अब ये क्या था, जैसे कॉइन है पंच मार्क, मतलब उन पे जो है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ छापा गया हो, या फिर एक तरीके से जैसे होता नहीं है कि जैसे आटा को जो गूंथते हैं तो उसमें जब घूंसा ऐसा मारते हैं तो छप जाती है ना, घूंसे की छाप, हाथ की छाप छप जाती है ना, रेत में खेलते हैं तो ऐसे हाथ करते हैं फिर वो बनाते हैं, उसी तरीके से कॉइन को भी उस समय के आकृतियों के हिसाब से या उस समय की शेप, कुछ शेप डाल देते हैं इसके ऊपर, कॉइन के ऊपर जो उस पर आ जाती थी, जैसे ट्री की शेप हो गई, ठीक है, स्टोन की हो गई, स्टार हो गया, कुछ भी हो गया, अपने हिसाब से वो देखते थे वो डाल देते। लिखिएगा इसमें पंचमार्क कॉइन में, द राइज ऑफ महाजनपद
राइज ऑफ महाजनपदास, द राइज ऑफ महाजनपदास इन सिक्स सेंचुरी बी सी, इन सिक्स सेंचुरी बी सी अलोंग विथ एग्रीकल्चर सरप्लस, अलोंग विथ एग्रीकल्चर सरप्लस एंड द राइज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स which facilitate trade and commerce led to the appearance of coins for the first time in the pre-Mauryan age. The metal were punched with certain marks as like hills, tree, wool, elephant, etc., fish, etc. The coins do not wear any image or inscription of gods or king. These are not casted coins. These are not casted coins and were first issued by traders and bankers, and later by the king also. Their areas of use were also limited. The use of punched mark coin was indicative of a more developed economy. क्या नया क्या मतलब है समझिएगा, ठीक है। अब जो लिखा है उसे समझते हैं कि हमने लिखा क्या है। पंच्ड मार्क कॉइन है, प्री मॉडर्न पीरियड चल रहा है। इस समय क्या हुआ कि दो चीजें हुई, समझिएगा। ये फार्म लैंड है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पहला इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सेकंड थिंग सेटलमेंट एरिया आल्सो इंक्रीज, मतलब एक कॉलोनी इतने से एरिया में बस हुई थी, अब और लोग हुए हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ये बाहर के लोग आए हैं उनकी वजह से जो है इस कॉलोनी का एरिया बढ़ा दिया गया है। जैसे सेटलमेंट एरिया आल्सो इंक्रीज, जैसे आपने देखा होगा इस समय भी, जैसे क्या होता है अब से 10 साल पहले आपके गांव में, शहर में, जहां भी आप रहते हो, कुछ जगह ऐसी होंगी जो आपको खाली दिखाई लगती होंगी कि भाई ये तो खाली पड़ी है, बेगोरी पड़ी, बेगोरी मतलब से कोई है नहीं, तो आप वहाँ अपने आराम से क्रिकेट खेले, मार्बल्स खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं अपने, या शाम को वहाँ जाके बैठ गए,
लेकिन अब क्या देख रहे होंगे कि वो जगह है भरनी शुरू हो गई है। दो रीजन इसके पीछे, या तो वहाँ उस एरिया की पॉपुलेशन जो नेटिव पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है, बर्थ रेट इंक्रीज हुआ है। सेकंड क्या हो सकता है कि बाहर से माइग्रेशन बढ़ गया है, कि लोग बाहर से आ रहे हैं आपके एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, दो कंडीशन हुए। तीसरा, एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी एडवांस हो रही है, उसे और गुड्स या और चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, हर किसी की अपनी चॉइस होती जा रही है, हर किसी की डिमांड बढ़ती जा रही है, एक तरीके से बोले जाए तो डिमांड बढ़ती जा रही है। उसको देखते ही सप्लाई चेन ऑल्सो इंक्रीज, इसको देखते हैं सप्लाई चेन भी बढ़ गई है। अब क्या हो रहा है, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया हमारा, सेटलमेंट एरिया भी बढ़ रहा है, एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी बढ़ रही है, सप्लाई चेन ऑल्सो बढ़ रही है। अब क्या हुआ, इस समय लोगों को वाटर सिस्टम तो फेल हो गया ना यहाँ, अब आपको इसकी जरूरत है, मेरे को चीज की जरूरत है, ऐसे लेन देन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई चेन इंक्रीज हो रही है, डिमांड चेन इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड बढ़ गई है, तो वाटर सिस्टम जो है उसकी लिमिटेशन सामने आ रही है। लिमिटेशन क्या है वाटर सिस्टम की, कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप ही मुझसे नहीं लोगे, बदले में अपनी चीज़ मुझे नहीं दोगे, और ऐसी कोई कमोडिटी बीच में नहीं है, या ऐसी कोई मीडियम बीच में नहीं है जिसके द्वारा हम एक्सचेंज कर सकें। अभी क्या है, मैं आपको पैसे दूंगा, आप कुछ सामान ले लूंगा आपसे, लेकिन अगर मैं आपके पास लेके जाऊँ कि भैया ये ले लो, मुझे ये दे दो, कुरकुरे का चिप्स का पैकेट दे दो, आप नहीं दोगे, बोलोगे यार कोई मुझसे ले ना ले, इसकी किसी को जरूरत है नहीं है, क्या पता। तो वो हिसाब था, तो जो वाटर सिस्टम था उसकी जो लिमिटेशन थी वो सामने आने लगी। इसी को देखते हुए करेंसी बनी, करेंसी क्या थी, कॉइन, पंच मार्क कॉइन। ये बताता है कि सोसाइटी जो है वो एडवांस होती जा रही थी इस समय में, किस समय, प्री मॉडर्न पीरियड में। ठीक है, हमें करेंसी की जरूरत होती, पंचमार्क कॉइन आए। पंचमार्क कॉइन की क्या खासियत थी, पहला कि उन पे जो पंचमार्क कॉइन थे उन पे जो शेप थी, जो उन पे जो इमेज बनी होती थी वो किसी रूलर की नहीं थी, किसी किंग की नहीं थी, मतलब किंग की नहीं थी, किसी गॉड की नहीं थी, या कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी उस पे। तो हमें इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी अभी इतनी डेवलप नहीं थी, सोसाइटी अभी डेवलपिंग फेज में थी। तो उस समय कॉइन्स पे कैसे क्या करते थे, जैसे ये कॉइन है, इसमें इस तरीके से माउंटेन बना है, या कॉइन है इस तरीके से ट्री बनी है, कॉइन है फिश बनी है, लग तो नहीं रही पर सपोज मान लेना फिश ही है ना, कि तो ये दिखा रहा है कि इस समय की सोसाइटी जो थी वो डेवलपिंग फेज में थी, डेवलप नहीं थी। ठीक है, तो कॉइन्स में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ। तो पहले क्या था, ये सबसे पहले इसे कौन इशू करेगा, ये चीज़ पंचमात कॉइन को, सबसे पहले ट्रेडर्स जो यहाँ की सरप्लस चीज़ लेके दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ये वहाँ से सरप्लस चीज़ें यहाँ लेके आ रहे हैं इस रीजन में, उन्हें तो जरूरत है ना एक एक्सचेंज मीडियम की, तो इन्हें सबसे पहले लागू करने वाले कौन हुए, ट्रेडर्स हुए। फिर दूसरा बैंकर्स हुए, मतलब जो कॉइन्स रखते थे। तीसरा जो था, जब जो वहाँ का रूलर था, जो अथॉरिटी थी, उसने देखा कि भाई सिस्टम ऐसे चल रहा है, तो हर कोई जो रूलर है वो अपने हाथ में पावर लेगा ना, आपके हाथ में क्यों छोड़ेगा, तो उसने कहा कि भाई कब चलाएंगे हम, वही वाला हिसाब था। तो सोसाइटी जो थी डेवलपिंग फेज से डेवलप फेज की ओर बढ़नी शुरू हुई। तो इस समय क्या हो रहा था, ये सिक्के हमें किस चीज़ की जानकारी देते हैं, इस समय क्या इमेज थी, किंग कौन से थे, किंग की इमेज थी नहीं थी, उससे हमें क्या पता चलता है, ये हमने देखा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस समय के बारे में और क्या क्या सोर्स है जो जानकारी देते हैं। पहला क्या हो गया हमारा, पंच मार्क कॉइंस। अब दूसरा क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स,
आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या मतलब हुआ इस बात का कि इस समय जो भी चीज़ें रही होंगी उनके जो रिमेन्स रह गए हैं, रिमेन्स मतलब होता है जो बच्ची कुची चीज़ें रह गई हैं, जैसे किसी ने बिल्डिंग बनाई खूब बड़ी आपसे 1000 साल पहले, अब घिसते 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 बिल्डिंग तो बची नहीं, टीला बच गया, तो उस टीले को हम देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ ये सब था, अच्छा अच्छा अरे भाई हुआ भी था बराबर में, ओहो अरे टॉयलेट भी थी, मतलब सैनिटाइजेशन का बहुत बढ़िया ख्याल रखा जाता था, हुआ था अरे भाई पानी की व्यवस्था भी सही थी, रोड देखी ओह भाई रोड भी शानदार है, और उसमें एक चीज़ ख़राब है सीढ़ियाँ नहीं थी, तो मतलब सिंगल स्टोरी हाउस थे, छत पे जाने का रास्ता नहीं था, ऐसा इसमें है नहीं, एक तरीके से स्टोरी करके बताई जा रही है कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से क्या क्या पता लग सकता है। ठीक है, अब लिखिएगा पहले इसे, इसमें पॉइंट वाइज करके लिखिएगा ना, जैसे इसमें आर्कियोलॉजिकल में इस तरीके से पॉइंट या इस तरीके से पॉइंट फर्स्ट, फिर इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, लिखते हैं। हेडिंग डाली आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इसमें लिखेंगे हम द मैनी अर्बन सेंटर्स, इसमें पहला पॉइंट है मैनी अर्बन सेंटर्स सच एज इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, यह है स्पेलिंग, INDRAPRASTHA इंद्रप्रस्थ, HASTINAPUR हस्तिनापुर, वाराणसी, ठीक है, ये सिटी दे कुछ फेमस, लिखिएगा मैनी अर्बन सेंटर्स सच एज इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर श्रावस्ती वाराणसी राजगिरा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इन नॉर्थ इंडिया। पॉइंट एक ये हो गया, सिटी कौन कौन सी थी। सेकंड लिखिएगा नदन ब्लैक पॉलिश्ड बियर इंग्लिश इसकी ये ऐसे करके लिखिए NBPW, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलिए ऐसे नदन ब्लैक पॉलिश्ड बियर टाइप ऑफ पोइट्री पोइट्री कविता वाली मत लिख देना, पोइट्री POETRY पोइट्री टाइप ऑफ पोइट्री was the characteristic feature of this age। थर्ड लिखिएगा, इसमें थर्ड आर्कियोलॉजिकल में iron use increased in this period। अगला लिखिएगा mud bricks were used for the construction of house। अगला पॉइंट लिखिएगा punch mark coin were used for facilitate trade and commerce। ठीक है, हमने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में देखा, अब देखिए क्या है कि जिन्हें समझ में आ रहा है अच्छी बात है, वो जिन्हें नहीं आ रहा उनके लिए भी अब आएगा कि ये क्या लिखा गया है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में हमने क्या पढ़ा कि जैसे जो मेन सिटी थी ना, जैसे हस्तिनापुर हो गया या और कोई भी सिटी थी, जैसे हमने देखा राजगिरा हो गया, ठीक है, इंद्रप्रस्थ हो गया, ये सिटी ज़्यादातर इनमें, मतलब जनरली
क्या होता था, ऐसे रिवर रिवर है, रिवर के किनारे पे स्थित होती थी रिवर, जिससे क्या होता था कि यहाँ का से ट्रांसपोर्टेशन इजी होता था, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है और चीप होता है कंपैरिजन टू लैंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, या रोड ट्रांसपोर्टेशन, उसके कंपैरिजन में चीप होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। जिस चीज़ को देखते हुए ज़्यादातर जो जनरली सिटीज थी, जो विग सिटीज थी, जो फेमस सिटीज थी, वो रिवर बैंक के पास ही लोकेट थी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि इस समय ट्रेड कॉमर्स तो होता था, लेकिन इस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मेनली ज़्यादातर डिपेंड थे वो रिवर्स पर डिपेंड थे लोग। हाँ, ये चीज़ देखी हमने। और दूसरा क्या देखा कि इस समय में आयरन का यूज़ बहुत होता था, लाइन लिखी है, आयरन यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, मतलब आयरन का भी यूज़ किया जाता था। मतलब क्या था, आयरन का यूज़ क्या होता था, एक्स बनाई उससे, कुल्हाड़ी, पाठल हिंदी में, है ना, जिससे जो वुडन कटिंग में हेल्प होती थी। तो आयरन का यूज़ किया जाता था, फॉरेस्ट था, जैसे जो इंडिया वाला रीजन है, जैसे अभी देखिए हम, ये हमारा प्यारा भारत, ये क्या है, ये प्लेन वाला हिस्सा है ना, गंगा यमुना, ये प्लेन वाला हिस्सा है। प्लेन वाला हिस्सा मतलब यहाँ ग्रासलैंड है, प्लेन वाला हिस्सा है, दोआब वाला। अब पंजाब है ये, यहाँ पे भी प्लेन है, गुजरात, ये राजस्थान है, यहाँ डेजर्ट है, हिमाचल प्रदेश हिली एरिया हो गया ये। अभी प्लेन वाले रीजन तो यहाँ पे फॉरेस्ट था, ठीक है, फॉरेस्ट जंगल, जो आयरन का यूज़ करते थे, तो उन्होंने आयरन को कट करा, यहाँ नया सेटलमेंट बनाया, फिर आगे चले, ये रिवर जा रही है, यहाँ फॉरेस्ट है, इसे कट करा, अपना सेटलमेंट एरिया बढ़ा दिया, यहाँ फॉरेस्ट था, इसे अपना सेटलमेंट एरिया बढ़ाया। इस तरीके से आयरन का यूज़ किया गया फॉरेस्ट को कट करने में, जिससे उन्होंने अपने सेटलमेंट एरिया, मतलब जहाँ जो टाउन था, टाउन रीजन था इनका, उसे बढ़ाया। ठीक है, और क्या हुआ इसमें, और इसमें हमने देखा कि पंचमार्क कॉइन चल पड़े, जिससे हमें पता चला ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया था। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा, इसमें एक जो खास बात देखी, जो वो ये थी, लिखा है वो आपने, थर्ड पॉइंट है शायद इसमें, मड ब्रिक्स। मड ब्रिक्स का यूज किया जाता था हाउस बनाने के लिए, मिट्टी के घर बनाने के लिए। इसमें कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि वन ब्रिक्स का यूज किया गया हो लार्ज स्केल पे, मतलब जो पक्की ईंटें थी उनका इस्तेमाल नहीं किया गया था, मड ब्रिक्स का यूज किया गया था। मतलब इस समय की जो सोसाइटी थी, इस समय का जो रीजन था, वो डेवलप नहीं था, उनके पास इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं थी कि वो वन ड्यूज का इसका यूज़ करें, या फिर ऐसे मॉन्यूमेंट बनाएं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, इस तरीके से तो हमें प्री मौर्यन के एज के बारे में पता चला थोड़ा बहुत। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो लिटरेचर वाला हिस्सा है, कि लोगों ने क्या क्या कह के चले गए, क्या लिख के चले गए, जिन्होंने बताया प्री मौर्यन पीरियड के बारे में। ठीक है, तो प्री मौर्यन पीरियड के बारे में अब एक देखते हैं, इसमें जो था पॉइंट है वो है ब्राह्मिनिकल लिटरेचर, स्पेलिंग ये है, तीसरा है लिटरेचर,
है, हिंदी में साहित्य बोलते हैं, लिटरेचर। इसमें भी जो है, इसमें इस तरीके से पहला कौन सा है? ब्राह्मिनिकल, ब्राह्मिनिकल, BRAHMANICAL, ब्राह्मिनिकल लिटरेचर। पहला जिक्र जो है वो ये है, लिखिएगा इसमें। इट कंसिस्टेड कंस्टिट्यूटेड कंसिस्टेड ऑफ द कंसिस्टेड ऑफ द वेदांश द लिम्ब ऑफ वेदा और द लिम्ब्स ऑफ द वेदा हुज स्टडी वॉज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द हुज स्टडी वॉज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द वेदास प्रॉपरली, वेदास प्रॉपरली। द वेदांश वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास, द वेदांश वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ FORM, फॉर्म ऑफ सूत्रास, एस इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास, दैट इज कंडेंस्ड प्रोज स्टाइल इंटेंडेड फॉर मेमोराइजेशन। देयर आर सिक्स वेदांश, ठीक है, लिखिएगा सिक्स कौन कौन से हैं। ए शिक्षा लिख देता हूं, कौन कौन से हैं सिक्स। सिक्स वेदांश कौन कौन से हैं? पहला शिक्षा, फोनेटिक्स, दूसरा कल्प, इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिचुअल्स, तीसरा व्याकरण, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रामर, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, CHANDAXS, मैट्रिक्स। और हमारा लास्ट कौन सा है? ज्योतिषी, लिखिएगा, ठीक है।
छह वेदांत थे। लिखिएगा इनके नाम, लिख लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। दिख रहा है? ये एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ठीक है। एक होता है जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में सीखते हैं, एक होता है जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में सीखते हैं, ठीक है। स्टार्स, अब इसमें जो कल्प वाला था, ये कल्प में लिखिएगा, द कल्प सूत्रास, द कल्प सूत्रास आर डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस। द कल्प सूत्रास आर डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस। पहला स्रोत सूत्र नोट कर लिया। पहला क्या है, जो कल्प वाला हिस्सा था, ठीक है, उसे भी तीन क्लास में डिवाइड कर रखा है। किसे? कल्प को, ठीक है। पहला क्या है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र, घड़ी सूत्र और धर्म सूत्र। अब जो ये था स्रोत सूत्र था, इसमें बस एक बात चीज ध्यान रखिएगा ना, लिखिएगा मत, थोड़ा वैसे ध्यान लिखिएगा, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये किससे कंसर्न करते थे, मतलब ये किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो ये रिचुअल ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइस, ये रिचुअल ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस करते थे, जो उस समय जिस तरीके से सेक्रीफाइस किया जाता था, जो रिचुअल थे जिस तरीके से किया जाता था, ये उस चीज के बारे में बताते हैं। जैसे सेक्रीफाइस ऑफ अग्नि, सोमा और एनिमल्स, इस सब के बारे में, ठीक है। और ये जो थे ना, जैसे लिखा है स्रोत सूत्र ओल्डेस्ट बुक है ऑफ इंडियन ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री के ऊपर सबसे ओल्डेस्ट बुक ये है। ग्रह सूत्र, और जो मतलब ज्योमेट्री पे जो ज्यादातर बुक है वो इस चीज पे डिपेंड होती है। अब ग्रह सूत्र में क्या हुआ, कंसर्न विद द डोमेस्टिक सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइस टू बी परफॉर्म्ड बाय अ हाउस होल्डर। जो होता नहीं, जो घर का मुखिया होता है, जैसे आपके यहाँ भी होता होगा, जैसे पूजा होती है, पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केवल मुखिया कर सकता है ना, कुछ सेक्रीफाइस ऐसे जो केवल मुखिया ही कर सकता है, वही है कि गृह सूत्र में चीज का जिक्र है। तीसरा है धर्म सूत्र, इसका मतलब धर्म सूत्र का मतलब होता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लीगल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मतलब उस समय लाइफ किस तरीके से चलेगी, लाइफ को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना, वो कौन चीज जो हमें बताता था, धर्म सूत्र बनाता बताता था। अब लिखिएगा इसमें एक पॉइंट डाल के लिखिएगा, इसमें एक वो पॉइंट डालिएगा, उसमें लिखिएगा फोर माइनर वेदास कोल्ड उपवेदास, फोर माइनर वेदा कोल्ड उपवेदास कम टू बी रिटर्न ऑन द बेसिस, कम टू बी रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द वैदिक लिटरेचर, दे आर कम्स टू बी रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द वैदिक लिटरेचर, दे आर आयुर्वेदा। फोर माइनर वेदा कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसे पूछ लिया जाता है ना, जैसे इसमें से एक चीज उठाकर डाल दी, पूछ पूछेंगे क्या ये फोर माइनर वेदा में से था, नहीं। और ये पता भी होना चाहिए क्योंकि अगर आपको अपने कल्चर के बारे में नहीं पता,
एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना जरूरी है क्योंकि सवाल आते हैं, लेकिन आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि हमारा कल्चर है ये, और आपको कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई जो हमारी हिस्ट्री में जो रूट कॉज है वो क्या है। जैसे अगर आपको यही नहीं पता कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन क्या होगा उसका। और अगर आपको यही नहीं पता कि फार्मिंग किस तरीके से की जाती है, तो कल्टीवेशन करने का फायदा क्या। उसी तरीके से अगर आपको प्रेजेंट में ये नहीं पता कि हमारे लिए मॉरल्स क्या है, हमारे लिए एथिक्स क्या है, कि हमारे यहाँ किस चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है, क्यों किया गया है, क्यों नहीं किया गया, अगर आपको यही नहीं पता तो हो सकता है कि आपको जो फ्यूचर में आने वाली डिफ़िकल्टीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आप फेस नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके जो बेसिक्स हैं वहाँ काम नहीं करेंगे, है ना। उसी तरीके से देखिएगा 4 महीने वेदास कौन से थे। पहला आयुर्वेदा लिखिएगा, दूसरा शिल्प वेदा, तीसरा गंधर्व वेदा, धनुर्वेदा। 4 माइनर वेदा हैं, आयुर्वेदा, शिल्प वेदा, गंधर्व वेदा और गंधार वेदा और धनुर्वेदा। अब आयुर्वेद के बारे में तो सबने आपने सुना ही होगा कि इसमें किस तरीके की बातें लिखी गई हैं, क्या है। जैसे आयुर्वेद जो है वो किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से है। आयुर्वेदा का आगे लिखिएगा कंसर्न विद मेडिसिन, शिल्प वेदा का आगे लिखिएगा कंसर्न विद स्कल्पचर, और गंधर्व वेदा के बारे में लिखिएगा कंसर्न विद म्यूजिक, और धनुर्वेदा के बारे में लिखिएगा कंसर्न विद वॉरफेयर। जैसे जो आज के जमाने में आपने देखा होगा कि हेल्थ जो है एक तरीके की वेल्थ है ना। अगर आप हेल्दी हैं और आप किसी भी बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो आपके पास आज के जाने में कहा जाए प्रॉपर्टी है, वो आपके हेल्थ है ना। तो कहने मतलब ये है कि अगर आप आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं, आपको लिखा होगा कि भाई इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, कुछ साइंटिफिक प्रूफ हैं ज़्यादातर, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जिस तरीके के फॉरेस्ट थे, जिस तरीके की हर्ब्स थी, जिस तरीके की आपके बोला जाए कि एक तरीके से ऐसी मेडिसिन जो आपके क्लाइमेट को सूट करती है और आपको किसी भी तरीके का हार्मफुल कॉज ना करें, रेयरली हो सकता है कि रेयरली केस में हो जाए, लेकिन जनरली वो आपको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आपके बॉडी पे नहीं छोड़ेंगी। आप जैसे अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में लोगों ने उस समय स्टडी किया प्लांट्स के ऊपर, इन सब चीज़ के ऊपर, कि भाई आपको क्या बेनिफिट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसे लिखा गया। इंडिया में आयुर्वेदा के ऊपर लिखा गया। और आप कहें कि भाई हम जो है इतिहास में विश्वास नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, भाई हम ये नहीं मानते, तो आप ऐसा नहीं है कि आप आयुर्वेदा को झुठला दोगे कि इसमें जो लिखा है वो गलत लिखा है। वो एक साइंटिफिक स्टडी है, उस समय के समय में स्टडी की गई है, तो वो चीज़ लिखी गई है। और हेल्थ का इशू आज के समय में भी वैसी है, इस वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है आज भी उतनी है। शिल्प वेदा इसमें स्कल्पचर के बारे में लिखा गया है, और धनुर्वेदा में जो वॉरफेयर, जो उस समय लड़ाइयाँ होती थी, किस तरीके की नीतियाँ थी, किस तरीके की पॉलिसीज होती थी, क्या होता था इस तरीके से ना। अब ब्राह्मी का लिटरेचर हो गया, अब लिखिएगा दूसरा, इसमें सेकंड बुद्धिस्ट, लिटरेचर, ठीक है। बुद्धिस्ट लिटरेचर किस तरीके से क्या बताती है, ये भी लिखिएगा, ठीक है। जैसे लिखिएगा इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ द पाली कैनन,
इट कंसिस्ट ऑफ द पाली कैनन, इट कंसिस्ट ऑफ द पाली कैनन इन द फॉर्म ऑफ थ्री पिटक्स, इन द फॉर्म ऑफ थ्री पिटक्स, इन द फॉर्म ऑफ थ्री पिटक्स, ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, स्पेलिंग देखिए। तीन पिटक है, कौन कौन से हैं? पहला है सूतपिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा है अविधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अविधम पिटक, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो बताती हैं। जैसे जो सूत पिटक है, सूत पिटक लिखिएगा, जैसे आपने बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा, लाइन बोली गई, इसके नीचे इस तरीके से पॉइंट बनाइएगा, इस तरीके से फिर इसमें लिखिएगा सूत पिटक, ठीक है, सूत पिटक में लिखिएगा। इट कंसिस्ट ऑफ द, इट कंसिस्ट ऑफ द स्पीच, इस कंसिस्ट ऑफ द स्पीचेस एंड मैसेजेस, इस इट कंसिस्ट ऑफ द स्पीचेस एंड मैसेजेस ऑफ द बुद्धा, ऑफ द बुद्धा, इट वॉज कंपोज्ड बाय आनंद, इट वॉज कंपोज्ड बाय आनंद इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन राजगृह इन 483 BC। ठीक है, विनय पिटक में लिखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ द मोनेस्टिक कोड, मोनेस्टिक कोड ऑफ फिलोसफिकल सेइंग, ऑफ फिलोसफिकल सेइंग, इट वॉज कंपोज्ड बाय मंगोलीपुत्ता, मंगोलीपुत्ता, स्पेलिंग है मंगोलीपुत्ता की, ठीक है, ये स्पेलिंग है मंगोलीपुत्ता, इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र, एट पाटलिपुत्र इन 250 BC, एट पाटलिपुत्र इन 250 BC। अगला अभिधम पिटक, सॉरी ये गलत हो गया है, कि जो लिखा गया है वो अभिधम पिटक के बारे में लिखा गया है, विनय पिटक में जो लिखा था उसे काटिएगा, दोबारा लिखिएगा विनय पिटक में। इट कंसिस्ट ऑफ द मोनेस्टिक कोड विद द रूलर ऑफ बिहेवियर ऑफ मॉन्क्स, इसमें विनय पिटक में लिखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ द मोनेस्टिक कोड विद रूलर्स ऑफ बिहेवियर ऑफ द मॉन्क्स, ऑफ monks and nuns of the sangha, it was composed by upali, it was composed by upali in the first buddhist council at rajgira in 483 BC, composed by upali in the buddhist council at rajgira in 483 BC।
अब लिखिएगा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में लिखिएगा इट वॉज कंपोज्ड बाय मोगलिपुट्टम, इट कंपोज्ड बाय मोगलिपुट्टम इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा इन 250 BC, इन 250 BC। अगला लिखिएगा, जैसे बुद्धिस्ट के बाद थर्ड जैन लिटरेचर, इट वॉज रिटन इन प्राकृत जैन लिटरेचर, इट वॉज रिटन इन प्राकृत अर्लियर जैन लिटरेचर वॉज अ सेट ऑफ 14 बुक्स कॉल्ड पूर्वास, इट वॉज रिटन इन प्राकृत अर्लियर जैन लिटरेचर वॉज अ सेट ऑफ 14 बुक्स कॉल्ड पूर्वास, दे आर नाउ लॉस्ट, ये खो गई, 20 अंग्स, वर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ 14 पूर्वास। ठीक है, अब बुद्धिस्ट भी हो गए, इसके बाद जैनिज भी पढ़ लिए, इसके बाद पढ़ते हैं फॉरेन ऑथर। जो फॉरेन ऑथर, जो विदेशी विवरण आया, जो विदेशी लोग भारत में आए, उन्होंने क्या लिखा, फॉरेन ऑथर करके हेडिंग डालिएगा इसमें, फोर्थ करके, और उसमें लिखिएगा हेरोडोटस, स्पेलिंग ये है, हेरोडोटस इस तरीके से हेडिंग डालिए, हेरोडोटस के बारे में लिखिए, हेरोडोटस रोट हिस्टोरिका, इट टॉक्स अबाउट द ट्रेड रिलेशन ऑफ इंडिया विथ पर्शिया, PERSIA, इट टॉक्स अबाउट द ट्रेड रिलेशन ऑफ इंडिया विथ पर्शिया। अब अगला लिखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा पहले, ये ए है, थोड़ा भावनाओं में बह गया है ए, पर है ए। अरिस्टोविलस, ठीक है, इसमें लिखिएगा, जैसे इसके बारे में लिखा था ना उससे पहले हेरोडोटस के बारे में, अब इसके नीचे पॉइंट लगा के अरिस्टोटोबलस के बारे में लिखिएगा, रोट, उसने लिखा, इसके नाम क्या, रोट हिस्ट्री ऑफ द बोर, ही केम टू इंडिया अलोंग विथ एलेक्जेंडर। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाद देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा कि जो वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी देते थे। वैदिक पीरियड के बारे में क्या जानकारी देते थे कि जो वर्ण सिस्टम था वो आ गया था, वर्ण सिस्टम आने के बाद उन्होंने क्या कहा कि चलो वर्ण सिस्टम आ गया, उसी हिसाब से सोसाइटी को बांट दिया गया। उसके बाद में लेटर वैदिक पीरियड में, उसके बाद प्री मॉडर्न पीरियड है, तो उसमें क्या काम किया गया, इसमें हमें पता चला इसकी जानकारी के बारे में, पंचमार्क कॉइन चले, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, लिटरेचर में इसमें ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट, जैनिज लिटरेचर, और भी काफ़ी लिटरेचर जैनिज के बारे में हमने देखा कि फॉरेन जो विदेशी लोग थे उन्होंने जो विवरण दिया उसके हिसाब से हमने देखा चीज़ें। अब हमें क्या बात समझ में आती है कि इस समय इन सब चीज़ों को देख के क्या लगता है कि इस समय जो लोग थे वो रिलीजियस कॉन्शियस ज़्यादा थे, मतलब कहीं ना कहीं रिलीजन से ज़्यादा कनेक्ट थे। ठीक है, सोसाइटी में रिलीजन का महत्व बहुत ज़्यादा, इंपॉर्टेंस बहुत थी रिलीजन की। ठीक है,
अब दूसरे क्या पता चलता है कि इस समय जो इकोनॉमी थी उसने अंडर डेवलप से डेवलपिंग फेज में आ गई, क्योंकि दिखा रहा है कि कॉइन की ट्रेड हो रहा है और एग्रीकल्चर हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। तो जब एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? कैटल्स। आज के ज़माने में ट्रैक्टर चलिए, उससे पहले तो नहीं थे, उससे पहले तो बैल हो गया, भैंसा हो गया, इनसे की जाती थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस समय सबसे इंपॉर्टेंस फिर एनिमल की भी थी। कॉइन्स मिले, कॉइन पे जानकारी मिली कि भी राजा रानी का तो उन पर चित्र है नहीं कॉइन पे, और दूसरी बात कुछ ना किसी गॉड की इमेज है, और तीसरी बात कि कोई इंपॉर्टेंट ऐसी बातें नहीं लिखी हुई न्यूज़ पे। तो हम इससे पता चलता है कि इस समय जो था जो आर्ट थी वो कहीं ना कहीं अपने ग्लोबल मतलब गोल्डन लेवल पे या गोल्डन स्टेज में नहीं थी, वो भी अंडर डेवलप्ड थी, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो इन चीज़ों से हमें ये पता है। वैदिक पीरियड के बारे में हमने देख लिया, प्री मॉडर्न पीरियड के बारे में हमने देख लिया, और इसके बाद उसमें काफ़ी चीज़ें देख ली। इसमें से ना ऐसा होता है कि इसमें कुछ सवाल बनेंगे जो प्री के बनेंगे, कुछ मेंस के बनेंगे। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि मेंस में भी, जैसे किसी पीसीएस स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाए या यूपीएससी में पूछ लिया जाए कि सोर्स बताओ कि जो प्री मौर्यन पीरियड के बारे में बताते हूँ। अब तीसरा आएगा हमारा मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 300 है मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी में। अब पहले हम देखते हैं कि जैसे प्री मौर्यन पीरियड था, अगर उसमें यह आ जाए कि प्री मौर्यन पीरियड जो था, इस तरीके से सवाल आ जाए कि प्री मौर्यन पीरियड जो था उसमें जो था जो लोग थे वो रिलीजियस ही मतलब रिलीजन से ज़्यादा ज़्यादा अटैच थे, लेकिन बाकी एक्टिविटीज से नहीं थे, या फिर ये कह दिया जाए कि इस समय में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था इस पीरियड में, तो आप कैसे बताओगे? जो चीज़ें फाइंड हुई उनसे तो बताओगे, या आपसे ये पूछा जाए कि भाई प्री मॉडर्न पीरियड था इसमें कुछ अलग बात थी मॉडर्न पीरियड से, या कुछ डिफरेंस था वैदिक पीरियड से, दोनों का कंपेयर करके पूछ लिया। अब पता तो बता तो जब ही पाओगे ना, जब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा। तो 100% पता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 90% भी अगर इन्फॉर्मेशन अपने पास है तो उससे खेलना आना चाहिए, है ना? जैसे लड़ाई होती है किसी से, अगर तलवार हाथ नहीं लगती है तो इंसान अद्धा उठा लेता है। वही हिसाब डाटा का होता है कि अगर आपके पास शॉर्ट नहीं है, कोई ऐसा डाटा नहीं है जो उसे बिल्कुल ठीक 10 से 10 की तरह काट दे, तो आपके पास कुछ ऐसे सोर्स होना चाहिए, कुछ ऐसा डाटा होना चाहिए, या कुछ ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए जिससे आप अगर 10 में से 10 नहीं लेके आ पा रहे हैं तो 10 में से 6 7 8 तो ले आओ, है ना? तो वो हिसाब होता है प्रिपरेशन का। ठीक है, ठीक है, अगर इसी बेस पे कुछ सवाल पूछे जाएं आपसे, कुछ सवाल पूछे जाएं तो देखते हैं कितने लोग आंसर देंगे। जो वर्णा सिस्टम है वो मेंशन है ऋग्वेद के कौन से मंडल में? अगर आपने क्लास ली होंगी तो आप बता पाओगे। और जिस मंडल में मेंशन है वर्णा सिस्टम, वो न्यू मंडल है या ओल्ड मंडल है? न्यू मंडल कौन से हैं ऋग्वेद में, ओल्ड मंडल कौन से हैं? ठीक है, वैदिक पीरियड में जो एक वेद था उसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन क्षत्रियों का रहा, और एक वेद में नॉन आर्यंस का रहा। ये है, अब मॉडर्न पीरियड जो है वो कल को शुरू करेंगे कि मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें जो है वो कहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पर एक चीज देख लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो ये देख लेते हैं।
दो टर्म यूज होते हैं। आर्यन, नॉन आर्यन, ठीक है। अब ये जो थे, ये नॉन आर्यन जो थे, ये थे नॉन ये थी नेटिव पॉपुलेशन, ये थी नॉन नेटिव पॉपुलेशन, ठीक है। ये इंडिया है, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में जो पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, जो इंडिया में जो पॉपुलेशन रह रही है वो है नॉन आर्यंस, ठीक है, नेटिव पॉपुलेशन। आर्यंस होते हैं वो बाहर से आए इंडिया में। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेस्ट एशिया के रहने वाले थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये रशिया के थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये वहाँ के भी, ये थे अफगानिस्तान के। तो क्या कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि रशिया से वेस्ट एशिया में गए, वेस्ट एशिया से अफगानिस्तान में आए, अफगानिस्तान से इंडिया में आए, जम्मू कश्मीर में बचे, बसे इंडिया में। तो जो नॉन नेटिव पॉपुलेशन थी, जो बाहर से आए थे, वो थे आर्यन। तो आर्यन जो थे वो ज़्यादा, उनके पास क्या क्या चीज़ ज़्यादा थी, जैसे इनके पास कुछ एडवांटेज थे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, हॉर्स। यहाँ पे हॉर्स के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आर्यन और नॉन आर्यन के बारे में, ठीक है, ये था। अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो मौर्यन पीरियड जो है वो एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब तक जो देखा कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन बन रही है कि अगर हड़प्पा सभ्यता को छोड़ दिया जाए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक है, उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे उसका अभी इस चीज़ के बाद। सोर्स में हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने देखा कि वैदिक पीरियड के बारे में क्या क्या जानकारी मिल रही थी, आर्यन नॉन आर्यन के बारे में हमें पता चली थी। इसके बाद क्या हुआ, पोस्ट मतलब जो मौर्यन पीरियड था उससे पहले की फेज हम देख रहे हैं, उसमें क्या था कि बताया गया कि भाई ट्रेड होना शुरू हो गया, ठीक है, लोग एक दूसरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, जो फिलॉसफी थी, जो थॉट्स थे वो एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो डाइवर्सिटी थी इंडिया में वो अब नज़र आने लगी, क्योंकि लोग एक दूसरे से घुलने मिलने लगे, है ना। तो क्या हुआ कि कुछ सेंटर यहाँ बन गए, एजुकेशन सेंटर कुछ यहाँ बन गए। अब जब मौर्यन पीरियड आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि जो रूलर्स था वो कहाँ तक के रीजन को कंट्रोल कर रहा था, और किस तरीके से कंट्रोल कर रहा था, और वो क्या क्या कर रहा था, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो एक वो है कि कल बच्चे देखिएगा जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखना कि मौर्यन पीरियड से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं मेंस में प्री, ठीक है। एंशंट हिस्ट्री की खूबसूरत बात यह है कि ये अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है ना, आप ये सोचो कि आपने एंशंट हिस्ट्री पढ़ ली कंप्लीट हो गया, नहीं है। जैसे सब्जी के संग रोटी चलती है, आपने किसी की दावत करी और रोटी ला के रख दी, और कि खा ली तो कैसे खाएंगे, सब्जी भी तो होनी चाहिए। उसी हिसाब से अगर आप जब एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हो, जब उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो वो एंशंट हिस्ट्री को और एनहेंस कर देती है, और क्या बोलते हैं इनरिच कर देती है, कि जिससे कि जो आपने सीखा है एंशंट हिस्ट्री में वो फिर निखर के आने लगता है। जैसे होता है ना कि पहले
बुनियाद रखी जाती है, फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता है ना, वो वाला हिसाब। अब वो स्टडी कैसे होती है, 2 मिनट एक चीज पे जिक्र करेंगे, स्टडी। अगर किसी का घर है और उसने प्लास्टर नहीं करा रखा, ना पेंट करा रखा और ना कुछ कर रखा, तो उसका घर क्या लगेगा, खंडर, खंडर लगेगा। अब उसमें क्या है, घर में क्या है, जो घर बना है प्लास्टर वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक कंप्लीट है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर ब्रिक्स लगा रखी है, लिंटर डाल रखा है, सब कुछ है, ब्रिक्स सब कुछ लगा रखी है, तो बेसिक कंप्लीट है क्या, इतना सफिशिएंट है? नहीं। फिर जब घर बना उसके बाद फिर उससे प्लास्टर होता है, पेंट करते हैं, फिर क्या हुआ, आपने बेसिक के साथ, मतलब बेसिक के साथ आपने क्या जोड़ दिया, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के संग आपने क्या जोड़ दिया, आर्ट एंड कल्चर, अदर थिंग जोड़ दी, जो इसे और इन्हेंस करेंगी, जो थिंकिंग का वे है उसे और ब्रॉड कर देंगी, है ना, वाला हिसाब है, इसे कर दिया। फिर इसके बाद क्या होगा, आप देखोगे दरवाजे लगवाओगे, पंखे लगवाओगे, एसी लगवाओगे, या जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए उस हिसाब से आप करवाओगे काम। फिर क्या हुआ कि उसका मतलब क्या है कि आप फाइनल स्टेज में पहुंच गए, आपको पता कि जो आपने याद करा बेसिक को, अदर सब्जेक्ट को प्लस करंट अफेयर को कैसे यूज़ करना है, तो ये क्या हुआ, एक घर बन के तैयार हो गया, है ना, तैयारी कंडीशन होती है पढ़ाई करते समय, है ना। जैसे जब सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में जितनी दाल डालते हैं उतनी नमक डाल देते हैं क्या, या जितनी मिर्ची डालते हैं उतनी प्याज डालते हैं क्या, नहीं, हर चीज़ का अपना एक रेशियो है, है ना। जैसे इसमें भी जब पढ़ाई करते हो तो इसमें भी अपना एक रेशियो है, हर टॉपिक का अपना एक रेशियो है कि आपको इस टॉपिक पे इतना ध्यान देना है, इस वाले पे इतना ध्यान देना है, फिर उसी हिसाब से आप देखोगे, है ना, जिस चीज़ की जितनी नीड होती है उस पर उतना ही जोड़ दिया जाता है। अगर नमक के बराबर चीज़ डालनी है तो नमक के बराबर डालोगे, लेकिन नहीं डाला तो स्वाद नहीं आएगा खाने में, वही हिसाब पढ़ाई का है। अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यन पीरियड पढ़ना है तो पढ़ोगे, लेकिन नमक कहाँ से लाओगे, नमक का मतलब है उससे पहले पोस्ट मौर्यन पीरियड, मानो पोस्ट मौर्यन पीरियड से सवाल ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन मौर्यन पीरियड से आएंगे। लेकिन ऐसा भी तो आ सकता है कि जो प्री मौर्यन से घूम के मौर्यन फेस पे सवाल आया है, तो जब आपको वो नमक का स्वाद ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे सब्जी ठीक बनी है सही बनी है। तो अगर 10 में से 9, 8 लेकर आने मार्क्स, तो हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जो फेवरेट टॉपिक है उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आज यहीं रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।